हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, आपसे ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। कितना सुंदरता से प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन। देखिए, भक्त ये होता है, अभी वहां पे कोई असुर खड़ा होता तो क्या बोलता, अरे क्या बोल रहे हो कृष्ण, मैं बचपन से तुमको देख रहा हूँ, मेरे साथ खेले कूदे हो, और 20 लाख साल पहले बोलते हो मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को ज्ञान दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग डायरेक्ट चैलेंज करते हैं। भाई शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो भक्त क्या करेगा, अच्छा ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया, राम ने सीता को क्यों दागा, है राम ने क्यों दागा, ये कोई सही है क्या, राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा गलती हो गई, भगवान को आपसे पूछना चाहिए था। भक्त के मन में श्रद्धा विश्वास होती है कि भगवान ने किया है सही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए वो गुरु के पास जाता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जो असुरी लोग होते हैं ना, असुरी प्रवृत्ति के लोग, वे क्या करते हैं, वे भगवान को भगवान स्वीकार नहीं कर पाते। उनको बोलोगे श्री राम भगवान है, उनको बोले श्री कृष्ण भगवान है, वो स्वीकार नहीं कर पाते, उनको बड़ा तकलीफ होता है अंदर से, हाँ जैसे उनका कोई गला दबा रहा हो, ऐसा तकलीफ होता है उनको। इसीलिए तो भगवान क्या बोले पिछले श्लोक में, तुम भक्त हो, तुम सखा हो, इसलिए तुमको गीता सुना रहा हो। तो भक्त ही सुनेगा, जिसमें थोड़ा श्रद्धा होगा वही गीता को पढ़ेगा और सुनेगा, श्रद्धा नहीं तो फिर कैसे पढ़ेगा सुनेगा। वो चैलेंज कर देते हैं। तो हमें कभी भी, हम भी अभी पूरे भक्त नहीं बने हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आया ना, पूछिए गुरु के पास, प्रामाणिक गुरु के पास पहुंच के और पूछिए, चैलेंज मत कीजिए। आगे बताएंगे इसी अध्याय में भगवान आगे आपको 34 नंबर श्लोक बताएंगे। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। अर्जुन ये जो ज्ञान है इसको समझना है अच्छे से, तो क्या करो, एक प्रामाणिक गुरु को ढूंढो और प्रामाणिक गुरु के चरणों में शरण लो, फिर उनकी सेवा करो और प्रश्न पूछो, तब ज्ञान मिलेगा। ऐसा चैलेंज करने से नहीं मिलेगा। चैलेंज करने वालों को कभी ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी होती है। उनको सुनाओगे गीता तो भी समझ नहीं पाएंगे। तो अर्जुन भक्त हैं, इसीलिए देखे कितने सभ्यता से प्रश्न पूछ रहे हैं। जो असुर होते हैं वे कभी भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वे कभी स्वीकार नहीं करते कि कृष्ण परम भगवान है। ठीक, छोड़ दीजिए, अब उनके भले के लिए भी अर्जुन सोच रहे हैं। अर्जुन क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या अर्जुन को नहीं पता, अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, उनको सब पता है। अर्जुन क्यों पूछ रहे हैं प्रश्न, हाँ एक हिसाब से देखा जाए तो भगवान को ही अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं प्रभु, आप अपने बारे में बताइए। तो अभी श्लोक नंबर 5 से बताना चालू करेंगे भगवान कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आता हूं, क्या करता हूं, और मेरे बारे में जानने से तुमको क्या मिलेगा, और पहले भी बहुत सारे जो भक्त हैं वो मेरे बारे में जान के भक्ति करके इस संसार से मुक्त हो चुके हैं। तो ये सब श्लोक आगे बताएंगे। तो जब भगवान स्वयं बताएंगे तो एक अथॉरिटी स्थापित, जैसे कुछ सालों पहले नोट बंद हुआ, तो नोट बंदी की खबर किसने दी, स्वयं जो पूरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने दिया, तो उससे अथॉरिटी होती ना। अभी मैं आपको बोलूंगा कल से 2000 का नोट बंद है, आप स्वीकार करेंगे, क्या बोलता है, कैसे 2000 का नोट बंद हो जाएगा, आप तुरंत चेक करोगे ये बात सही है कि नहीं। तो इसलिए अथॉरिटी, तो भगवान कृष्ण परम अथॉरिटी है, जब वो बोलेंगे अपने बारे में तो कोई चैलेंज का सवाल ही नहीं उठता। असुर फिर भी चैलेंज करेंगे। अर्जुन ने उन्हीं के भले के लिए यह प्रश्न पूछा कि भगवान स्वयं अपने बारे में बताएं तो फिर लोगों को विश्वास होगा। तो जिसका थोड़ा सा भी श्रद्धा होगा वो उठा लेगा भक्ति को। जो पूरी तरह ईर्ष्या करता है भगवान से असुरी प्रवृत्ति के कारण, वो उसके लिए मुश्किल होगा। वैष्णव इसीलिए तो दया करते हैं ना, पिछले अध्याय में देखा, जिनको भगवान भी कुछ नहीं बोलते हैं, दया नहीं करते, उन पे वैष्णव जाके प्रचार करके दया करते। इसीलिए प्रभुपाद जी पूरे विश्व में प्रचार किए, जहाँ लोग जानते नहीं थे। प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार करते थे तो
राधा कृष्ण की फोटो देखते थे लोग कृष्ण बुक में, और उस पर लिखा रहता था कृष्ण, वो बुक का नाम ही कृष्ण रखा भगवान प्रभुपाद जी ने। तो लोग पूछते थे ये कृष्ण कौन है, तो फिर भक्त बताते थे ये जो खड़े हैं ना ये सांवले रंग के ये कृष्ण है। अच्छा ये उनके बाजू में लड़की कौन है, श्रीमती राधा रानी है। ऐसे जगत में प्रभुपाद ने राधा कृष्ण का प्रचार किया है, ये है भक्त का पावर, ये भक्त की दया है। लेकिन उसमें भी जो श्रद्धालु हैं वही भक्त बनते हैं, जो पूरी तरह असुरी है थोड़ा समय लगता है। तो अर्जुन उन लोगों के लिए स्थापित करवा रहा है भगवान से कि आप स्वयं बोलिए। और आगे चल के तो 11वें अध्याय में तो अर्जुन पूरा ऑडियो विजुअल प्रूफ देगा कि प्रभु आप जो है विराट रूप दिखाइए, क्योंकि आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग में मूर्ख लोग आएंगे, बोलेंगे मैं भगवान हूं, तुम भगवान हो, ये भी भगवान है, सब भगवान है। सो सारे भगवानों को साइड कर दीजिए, आप अपनी सत्ता को स्थापित कीजिए, विराट रूप दिखाइए। तो इसीलिए अगर आपको कोई बोले कि मैं भगवान हूं, प्रभु मैं तो बिल्कुल स्वीकार करता हूं, एक बार विराट रूप तो दिखाइए, कोई नहीं दिखा पाएगा, है ही नहीं, हाँ वो सॉफ्टवेयर है ही नहीं किसी के पास, किधर से दिखा पाएगा, उसका कॉपीराइट सिर्फ कृष्ण के पास है, क्योंकि कृष्ण ही असली स्वामी है। तो अब आगे भगवान अपने बारे में बताना चालू करेंगे। हरे कृष्ण।